नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 5। भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 9500+ MCQ की सीरीज़ है, जिसका यह भाग 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है? डिलीट, डिलीट ऑल, क्लियर या क्लियर ऑल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिलीट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जिसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को स्थायी रूप से हटाया जा सकता है, वो है डिलीट। फॉन्ट कमांड द्वारा निम्न में से किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है? कैरेक्टर की, पैराग्राफ की, पैच की या उपरोक्त सभी की? तो फॉन्ट कमांड के द्वारा जिसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है वो होता है कैरेक्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड उपयोगी होती है? इंसर्ट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंबल। विशेष चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए सिंबल कमांड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप से फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है? नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू या डेस्कटॉप व्यू? तो इसका जो सही आंसर है वो है आउटलाइन व्यू, जिसमें डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नज़र आता है, वो है आउटलाइन व्यू। सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? एक लाइन को सेलेक्ट करते हैं तो उसे अंडरलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो कौन सी है? Ctrl+Shift+U, Ctrl+A, Alt+E या Ctrl+U? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, Ctrl+U। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पैराग्राफ व लाइनों के मध्य स्थान को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? लाइन का, पैराग्राफ का, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का या उपरोक्त सभी का? तो पैराग्राफ और लाइन के मध्य जो स्थान होता है उसे व्यवस्थित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो होती है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अंतिम कमांड चलाई गई है उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड उपयोगी होती है? रिडू, कट, अंडू या क्लियर? तो अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए अंडू कमांड का उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Z, अंडू कमांड। फुटनोट और एंड नोट का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए या पॉइंट के लिए? तो फुटनोट और एंड नोट का जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है रेफरेंस के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक डॉक्यूमेंट को स्वतः ही सही करने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर का, ऑटो कंप्लीट फीचर का, फॉन्ट का या फॉर्मेटिंग का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटो करेक्ट फीचर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? सुपर स्क्रिप्ट में लिखने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? Shift+Ctrl+End, Shift+Ctrl+Shift+, Ctrl+S या Ctrl+-? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Ctrl+Shift+ का साइन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? पेज नंबर की पोजीशन को बदला जा सकता है, पेज नंबर को अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग करते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी का, हम पेज नंबर कमांड द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट और कॉपी करने से पहले क्या किया जाता है? जब हमें किसी कंप्यूटर पर किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करना है तो उसके पहले हमें उसे क्या करना होगा? सेलेक्ट, इम्पोर्ट, पेस्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेलेक्ट।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सेलेक्ट। हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हमें किस चीज़ को चेंज करना है या कट या कॉपी करना है, तो इसके लिए हमें उसे सेलेक्ट करना आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेलेक्ट। फाइंड कमांड की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस यू। तो फाइंड कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एफ, जिसके द्वारा हम फाइंड कमांड को चलाते हैं। सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? शिफ्ट प्लस एस, शिफ्ट प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या कंट्रोल प्लस माइनस का साइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल। पेज सेटअप कमांड की सहायता से निम्न में से किनको बदला जा सकता है? मार्जिन, कलर, पेपर साइज, लेआउट या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। पेज सेटअप कमांड की सहायता से निम्न में से किनको बदला जा सकता है? मार्जिन, कलर, पेपर साइज, लेआउट, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पेज सब सेटअप कमांड की सहायता से हम मार्जिन भी बदल सकते हैं, कलर, पेपर साइज, लेआउट आदि सभी को बदल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त दोनों। जब होम बटन पर फॉर्मेट पेंट आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर निम्न में से किसके आकार का हो जाता है? पेंट ब्रश, एरो, ए और बी दोनों, या उपरोक्त सभी के आकार का। तो जब हम होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो वो पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पेंट ब्रश। लाइन के आरंभ में जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? लाइन के आरंभ में जाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस होम, होम अप एरो या पेज अप। तो इसका जो सही आंसर है वो है होम, होम का हम उपयोग करते हैं लाइन के आरंभ में जाने के लिए। और यदि हमें पेज के आरंभ में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करते हैं। निम्न में से कौन सी की कमांड द्वारा एक ही डायलॉग बॉक्स होता है? फाइंड गो टू, गो टू रिप्लेस फाइंड, फाइंड क्लियर गो टू, क्लियर गो टू या रिप्लेस। तो निम्न में से कौन सी कमांड के लिए केवल एक ही डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है? तो इसका जो आंसर है वो है गो टू रिप्लेस फाइंड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जिसके लिए एक ही डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। निम्न में से किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? वह कौन सी कमांड है जिसकी सहायता से कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च किया जा सकता है? सर्च, फाइंड, गो टू या सर्च ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो है गो टू, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जिसकी सहायता से हम मार्क आदि को सर्च कर सकते हैं। निम्न में से वह कौन सी कमांड है जिसके द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जा सकता है? इंसर्ट, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कमांड के द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जा सकता है। जहाँ पे भी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस जगह से पेज को ब्रेक किया जा सकता है, वो कमांड है पेज ब्रेक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड निम्न में से किसके अंतर्गत होती है? होम टैब, ऑफिस बटन, न्यू या इंसर्ट। तो इसका जो आंसर है वो है ऑफिस बटन के अंतर्गत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विंडोज़ में हेल्प के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F1, F2, F3 या F4। तो विंडोज़ में हेल्प के लिए F1 की का यूज़ किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा F1। वर्ड में स्पेलिंग की जांच करने के लिए जिस की का यूज़ किया जा सकता है वो कौन सी है? F2, F7, F8 या F4। तो इसका जो आंसर है वो है F7। वर्ड में स्पेलिंग की जांच करने के लिए हम F7 की को कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।